गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास सेवेंथ के लिए एक्सरसाइज 2.2 का वीडियो इस तरह करें। चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.2। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हमें यहाँ पर ए से लेके डी तक हमें इनको मैच करना है। अब यहाँ पर देखो 2 × 1/5 है, यानी कोई एक चीज़ है उसको 5 भागों में बांट रखा है, और ऐसी दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 है, और 5 में से एक भाग हमारा शेडेड है ऐसे, और यही ऐसे शेड वाले हमारे पास दो भाग हैं, तो ये हमारा 1 का हमारा डी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा 1/2 के दो पार्ट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो ये बी वाला है, यहाँ पर 1/2 है और इसके दो पार्ट हैं यहाँ पर। ऐसे ही 2/3 के तीन पार्ट, तो यहाँ पर देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड है और इसके दो पार्ट्स शेडेड हैं, ऐसे 3 पार्ट है, तो 3 का हमारे पास ए हो सकता है। ऐसे 1/4 के 3 पार्ट, तो यानी यहाँ पर देखो 4 पार्ट में डिवाइड है एक चीज़ें, और एक पार्ट हमारा कलर्ड है, तो इसका मतलब है 4 का हमारा सी है। चलो हम इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर देखो, 2/5 जो है उसका डी पार्ट है, ये है 1/2 के ये वाले पार्ट हो गए, तो सेम हमने वैसे ही करा जैसा हमने समझा था। ठीक है, तो ये आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी हमारा उसका उल्टा है। यहाँ पर ए से सी तक हमें बताना है कि इसका कौन सा फ्रैक्शन होगा। अब देखो यहाँ पर 3 × 1/5 = 3/5, तो ये वाला जो सोल्यूशन है ये कौन सी फिगर शो कर रही है। देखो 1/5 कहाँ पर है, देखो 1/5 यहाँ पर है, ठीक है ना, और इसके 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3 पार्ट है, इसको मिलाकर ये 3/5 बन गया, तो ये हमारा फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड वाला 1/3 के 2 पार्ट्स, तो देखो 1/3 के 2 पार्ट्स हैं और 2/3 ये बन गया। ऐसे ही 3/4 के 3 पार्ट्स, और इसके जो इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो यहाँ पर हमने जब 3/4 के 3 पार्ट देखे, तो इसमें 2 तो पूरे हो गए और 1 जो है वो 1/4 बच गया हमारा पास, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर, देखो आंसर के साथ मैच करते हैं, तो ये हमारा आंसर के साथ मैच हो गया। ठीक है, इस तरह तुम्हें अपनी कॉपी पे नोट करना है इसे। अब अगला क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये वाले, इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर रिड्यूस करना है शॉर्ट उनके लोएस्ट फॉर्म में। तो जब हम फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाले जो नंबर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। अगर कोई ऊपर नीचे कॉमन है या फिर कट रहा है मल्टीपल में है, तो हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम यानी 7 × 3/5 × 3/5 ये हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसका आंसर 7 × 3/5 है, और हमने क्या किया, इसमें ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे इस तरह लिख लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 × 3 = 21/5 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर करें, तो 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 4 = 20, रिमाइंडर 1 बच गया, तो 4 तो कंप्लीट हो गए और 1/5 हमारा बच गया, तो ये इसका मिक्स्ड फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 4 × 1/3 को करते हैं, तो 4 × 1 = 4 होता है और नीचे 3 है, तो देखो 4 × 1 = 4 और नीचे 3, तो यहाँ पर इसको मिक्स्ड फॉर्म में करा तो 1 × 1/3 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम अगले वाले क्वेश्चन को करेंगे, 2 × 6/7, तो 2 × 6 = 12 होता है और नीचे 7 होगा, तो देखो 2 × 6 = 12 और नीचे 7, और इसको मिक्स फॉर्म में करेंगे तो 1 × 5/7 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम अगला वाला देखते हैं, 5 × 2/9, तो इसको 5 × 2 = 10/9 आएगा, तो देखो 10/9 आया, इसको डिवाइड किया 1/9 आ गया हमारे पास। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका, तो यहाँ पर 2 × 4 = 8/3 होना चाहिए, तो देखो 2 × 4 = 8, 8/3 है, और हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 2/3 आएगा। अब देखते हैं कि इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं, मिक्स फॉर्म में कैसे करते हैं। देखो ये हमारा है 8, हमारा यहाँ पर आ गया, 3 डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करा, तो 3 × 2 = 6 आया हमारे पास, नीचे इन दोनों को माइनस कर रिमाइंडर बचा 2, तो ऊपर वाला जो है वो तो हमारा कंप्लीट है, इसको यहाँ लिखा, नीचे वाला रिमाइंडर जो बचा उसको ऊपर लिखा, और ये जो डिवाइजर है इसको नीचे लिखा, इस तरह हमारी मिक्स्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, अब
सिक्स क्वेश्चन सेम वैसा ही है, 5 6 30 / 2, लेकिन यहां पर क्या हुआ, 2 3 6 भी कट गया, 2 3 6 कट गया, तो यानी 5 3 15 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमारा 11 4 44/7 आ गया, डिवाइड किया 6 2/7 आ गया। इसी तरह हमारा 24/5 है, तो 5 4 20 हो जाएगा, देखो यहां से कटेगा 5 4 20, तो यानी 4 4 16 हमारा आंसर आ गया। यहां भी 13 1/3 है, 13 1 13/3, तो हमारा 4 1/3 हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमारा 10th क्वेश्चन है, तो यहां 5 3 15 कटा, तो यहां पर 3 3 9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर है शेडेड करना है हमें, ठीक है ना, तो 1/2 ऑफ दिस सर्किल, इसमें जितने भी सर्किल हैं उसका 1/2 को हमें शेड करना है, यानी कि 1/2 यानी आधे सर्किल शेड करने हैं, ठीक है ना। तो अब हम अगर इसको रो वाइज देखें, तो हम इसको बीच में से अगर ऐसे काट दें, तो दो ऊपर रो हैं, दो नीचे रो हैं, तो हमारा ऊपर वाले 6 1 हो गए, नीचे वाले 6 1 हो गए, इस तरह हम काट सकते हैं, ठीक है ना। शेड ऊपर वाले को शेड कर देंगे, नीचे वाले को शेड कर देंगे हम, ठीक है ना। 2/3 अगर इसका शेड करना है, देखो 3 रो हैं, तो इनमें 2 रो शेड कर देनी है। ऐसे ही 3/5 को करना है, तो यहाँ पर 5 रो हैं, 1 2 3 4 5 रो हैं, 5 में से 3 रो शेड करनी है, 1 2 3 रो शेड करनी है हमें, ठीक है ना। तो ये इस तरह हम कर सकते हैं, इसके दूसरा तरीका भी है, वो दूसरा तरीका भी हम बताएंगे। पहले देखो, हमने इसका 1/2 शेड करना था, हमने ऊपर वाला शेड कर दिया इसका, इसका हमने 2/3 शेड करना था, हमने 2 रो शेड कर दी इसकी, और हमने इसका 3/5 करना था, तो 5 रो में से 3 रो हमने शेड कर दी। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या होता है, अब देखो 1/2 ऑफ 12 सर्किल का 1/2 करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देते, 12 की जगह 12 लिखा हमने, 2 6 12, यानी 6 सर्किल हमारा आंसर आ गया, और हमने 6 सर्किल हमने शेड कर दिए। इसी तरह हमने 2/3 ऑफ 9 है, ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई किया, 9 की जगह 9 किया, तो यहाँ पर 3 3 9 होता है, 2 9 2 3 6, तो 6 सर्किल हमें शेड करने, तो 6 सर्किल गिन के शेड कर दिए। इसी तरह सेम तरीके से 3/5 ऑफ 15 हमने करा, तो 3 × 3 = हमारा 9 आंसर, 9 स्क्वायर हमारे शेड करने थे, तो इस तरह हम शेड कर ले। तो ये दोनों तरीके हैं शेड करने के लिए, आपको इसी तरह शेड करना है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड दिस ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन जैसे हमने अभी पहले करा था, ऐसे ही ये करना है, ऑफ की जगह हमें मल्टीप्लाई लिखना है और हमें सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 ऑफ 24, यानी ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 24, 2 12 24 होता है, तो यहाँ पर हमारा 12 आंसर आ गया। इसी तरह हमारा 1/2 ऑफ 46 है, तो 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करा, 2 2 4 2 3 6, यानी 23 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह अगर हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं तुम्हें पेन के थ्रू अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखो 3 1 3 और 3 6 18, ठीक है ना, 2 6 12, इस तरह हमारा आंसर आएगा, काटते इस तरह। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 2 2 4 2 3 6, यहाँ 23 इस तरह आंसर आया था। ऐसे यहाँ पर 2 1 2 और 2 1 2 2 2 4, ठीक है ना, तो इस तरह हमारा 12 आंसर आया था। तो ये हमारे इस तरह के भी, इस तरह से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब देखो 2/3 ऑफ 27 है, तो 27 मल्टीप्लाई में किया, 3 9 27 होता है, 2 9 18 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमने 3/4 ऑफ 16 है, तो 3/4 × 16 करा, 4 4 16, 3 4 12 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। और इसी तरह दोबारा से मैं पेन ऑप्शन लेके तुम्हें दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। पेन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमने 4 1 4 4 9 36 हैं, 3 9 27 इस तरह आ गया, यहाँ 4 4 16 आ गया हमारा, ठीक है ना, और यहाँ 3 9 27 आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही हमना है, मतलब बाकी सारे भी हमें सिर्फ ऐसे ही करने हैं जैसे कि हमने करे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसी इसका डी पार्ट है, 4/5 ऑफ 20, यहाँ पर 5 4 20 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह 4/5 × 35 है,
सेम करा हमने, 4 7 28 हमारा आंसर आ गया। अब अगला है मल्टीप्लाई करना है और इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, जैसे मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन करना सिखाया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वैसे ही करना है, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा यहाँ पर एक तो होल नंबर दे रखा है और दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसका देखिए, ठीक है ना। अब ये देखो पहला क्वेश्चन है 3 × 5 1/5 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे, तो 5 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 × 5 = 25 प्लस ये करेंगे, ठीक है ना, ऊपर न्यूमरेटर 5 × 5 = 25 प्लस 1 26/5, ठीक है ना। तो इस तरह करा हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 × 26/5 ये हमारा आ गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 78/5 आएगा और इसको वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 15 3/5 हमारा आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे 5 6/4 के साथ करेंगे तो 6 × 24 प्लस 3 27 तो 27/4 आया और 5 × 27 में मल्टीप्लाई करी हमने 135 आया अपॉन 4 तो इसका आया 33 1 3/4 हमारा आंसर आ गया। सेम हमारा सी पार्ट होगा देख लीजिए और सेम ही हमारा डी पार्ट होगा, इसको देख लीजिए और ऐसे ही तुम्हें करना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ई पार्ट और एफ पार्ट भी हमारा इसी तरह आएगा, आंसर सब यहाँ से स्क्रीन वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर देख लीजिए, वैसे तो खुद करने की कोशिश करिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। फाइंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वन ऑफ टू ऑफ दिस, यानी अब एक फ्रैक्शन है और दूसरी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है ना। ऑफ का तो तुम्हें पता ही है, ऑफ की जगह तो मल्टीप्लाई लगाते हैं हम, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, तो 1/2 ऑफ 2/3 2 3/4 करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/2 × 2 3/4 करेंगे, फिर हम देखो इस 2 4/3 को 3/4 को हमने करा 4 × 2 = 8 9 10 11/4 आ गया, ठीक है ना। ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करी तो 11/8 आ गया और इसका हम मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 3/8 आ गया हमारा आंसर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसका बी पार्ट जो है देख लीजिए, ठीक है, और इस तरह वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है, 8th क्वेश्चन है विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, देयर मदर गेव देम वाटर बैग, उनकी मम्मी ने उनको एक वाटर बैग दिया दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, तो उस वाटर बैग में 5 लीटर पानी था। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, विद्या ने उसका 2/5 पी लिया, प्रताप कंज्यूम दी रिमेनिंग वाटर और बचा हुआ प्रताप ने पी लिया। तो तुम्हें पहला बताना है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया, और दूसरा क्वेश्चन बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, कितना फ्रैक्शन टोटल क्वांटिटी का कितना फ्रैक्शन प्रताप ने पी लिया, ठीक है ना। तो यानी विद्या ने कितना कंज्यूम किया था 2/5 और टोटल हमारे पास कितना लीटर था 5 लीटर था, है तो यानी 2/5 और 5 हमें करना है, ठीक है। चलो हम करके देखते हैं इसको, तो हमें क्या गिवन है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉटल में कितना था 5 लीटर था, अब इसमें से विद्या ने कंज्यूम किया 2/5 ऑफ 5 लीटर यानी 2/5 × 5 यानी हमारा 2 लीटर आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब विद्या ने कितना पिया पानी 2 लीटर पानी विद्या पी गई, 5 में से 2 लीटर पानी विद्या पी गई, तो इसका मतलब है बचा हुआ कितना है, तो अगर हम टोटल पानी को 1 माने उसका 2/5 विद्या पी गई है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसको जब माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे नीचे का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जब नीचे का 5 आएगा एलसीएम तो इससे 1 से मतलब इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है उससे डिवाइड करेंगे 5 × 1 = 5 और इसके ऊपर वाले से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा हमारा, तो 5 - 2 तो हमारा 3/5 पार्ट जो है वो बच गया प्रताप के लिए। तो इतना पानी प्रताप ने कंज्यूम किया, अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारा 3/5 और 5 यानी 5 से 5 कट गया, हमारा टोटल कितना लीटर बचा 3 लीटर, तो 3 लीटर प्रताप ने कंज्यूम किया। तो इस तरह टोटल जो प्रताप ने ड्रिंक किया 3/5 पार्ट किया ड्रिंक और क्वांटिटी उसकी थी 3 लीटर, ठीक है ना। तो ये इस तरह ही हमारा क्वेश्चन हो गया और इसी तरह हमारा ये पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू।